दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, राज्य, जिला या शहर के ताजा मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यहाँ पे अपने राज्य, जिले, गांव का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, मानसून को लेके मौसम विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है, साथ ही भयंकर गर्मी को लेके कई राज्यों में चेतावनी जारी कर दी है। वहीं कई राज्यों में खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश भयंकर आंधी तूफान से बेहद भयंकर और खराब स्थिति बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण भारत के ताजा मौसम समाचार में। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों, रायलसीमा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में एक दो जगहों पर हल्की बारिश संभव है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आज येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आज बीते दो दिनों की तरह तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के माने तो 6 जून तक राजधानी के लोगों को गर्मी से मिल रही है राहत, जारी रहेगी और तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। वहीं दक्षिण यूपी के कानपुर आदि क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में तापमान में इजाफा होगा। आईएमडी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में सुबह से ही बारिश हो रही है, इसके चलते तापमान में बड़ी गिरावट आई है। ओडिशा में आज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी भुवनेश्वर के साथ अनुगुल, डोंकलान, गजपति, गंजाम, बौद्ध, कालाहांडी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कंधमान, रायगढ़ और कोरापुट में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के भी आसार है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों, रायलसीमा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के एक दो जगहों पर हल्की बारिश के आसार है। बिहार में लू का प्रकोप जारी है और बुधवार को 14 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 जून तक बिहार के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ जगह पर बर्फबारी हुई। ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई। साथ ही राजस्थान के अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आई है। वास्तव में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जैसे जोधपुर और जैसलमेर में दशक के दौरान सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।